सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो भाई, आज हम लेकर आए हैं ऐसा ज़बरदस्त एंड एक्सपेंसिव फोटो एडिटिंग जो कि काफ़ी खतरनाक एंड डेंजर है। आज के इस वीडियो में ना ही बैकग्राउंड चेंज करने वाले हैं, ना ही फेस स्मूथ करने वाले हैं, ना ही इफेक्ट, मतलब कि इतना ज़बरदस्त इसमें टोन लगाने वाले हैं, इफेक्ट डालने वाले हैं कि इतना ज़बरदस्त कि आप लोग देखकर हैरान हो जाओगे। आप एक बार आप लोग इसका बिफोर फोटो एडिट कैसा लग रहा है देख सकते हो, कितना मतलब कि कैसा लग रहा है और इसको इफेक्ट करने में किस प्रकार से लग रहा था, जैसा कि देख किस प्रकार से लग रहा है, मतलब बिल्कुल ही चेंज लग रहा है। एडिटिंग इसको इफेक्ट में करने पर कितना हैंडसम टाइप का लग रहा है, एंड इसका बिफोर में किस प्रकार से लग रहा था, लग रहा था कि सर पे बाल उतना नहीं है और बाल नहीं है और कैसा लग रहा था, बट एडिटिंग करने के बाद कितना खतर और डेंजर देखने में लगता है देख सकते हो, और कितना मतलब अच्छे तरीके से हमने इसको लगाया है वो सब आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना है और स्किप गाइस बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि आप लोग स्किप कर लेते हो जिसके कारण आप लोग इतना समझ नहीं पाते हो, तो आपको स्किप नहीं करना है और वीडियो को ध्यान से देखना है, जो कि गारंटी लेता हूँ कि आप लोग सीख जाओगे किस प्रकार से बैकग्राउंड देख सकते हो कितना खतरनाक एंड कलरफुल लग रहा है फोटो एडिटिंग। तो इस प्रकार से आपको कलरफुल फोटो एडिटिंग बताने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपने ओरिजिनल पिक को लेकर जाना है लाइटरूम के अंदर। बस इसमें हम दो ही चीज़ का उपयोग, तीन ही चीज़ का उपयोग करेंगे, क्या क्या करने वाले हैं थ्री स्टेप में काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों को बता देंगे किस प्रकार से करना है। तो सबसे पहले इसको हम लेकर जाएंगे लाइटरूम के अंदर, तो चलिए हम लाइटरूम के अंदर चलते हैं। लाइटरूम के अंदर आने के बाद सबसे पहले तो हम करते क्या हैं, आपको तो पता ही होगा, सबसे पहले इसको थोड़ा एडजस्ट में क्रॉप कर लेते हैं अच्छे तरीके से, इस प्रकार से करके यहाँ से हम सेव कर देते हैं। नेक्स्ट करना क्या है, आपको ऑटो वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है, जिससे कि आपका जो बैकग्राउंड का जो भी कलर मतलब इफेक्ट वो पूरा सेट हो जाता है। नेक्स्ट आपको कलर वाले ऑप्शन में मिक्स में जाना है, ये तो मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि किस प्रकार से करते हैं। सेकेंड वाले में आपको पहले इसको ब्राइट मतलब इंक्रीज़ कर देना है ह्यू को, और सैचुरेशन को थोड़ा सा इसको भी इंक्रीज़ करके ल्यूमिनेंस को बढ़ा देना है, बस इतना करके नेक्स्ट में जाना है। इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करके येलो फेस हो जाएगा, बट इसको सैचुरेशन को जैसे ही माइनस करोगे ये आपका फेस वाइट हो जाएगा, तो थोड़ा सा माइनस करके इसको ल्यूमिनेंस को बढ़ा देना है, इतना कर देना है। पूरा स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, ध्यान से देख लेना, काफ़ी मज़ा आएगा, आप लोग भी ऐसा बना सकते हो। बट अब इसको इंक्रीज़ करके सैचुरेशन को इंक्रीज़ कर देना है, और नेक्स्ट करना क्या है आपको, ये वाला ऑप्शन को पूरा इंक्रीज़ करके इसको फुल्ली इंक्रीज़ कर देना है। अब फर्स्ट वाला जो येलो कलर था इसको माइनस करने पर आपको बैकग्राउंड में कुछ इफेक्ट्स देखने को मिलेगा, बट आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपको करना क्या है, माइनस कर देना है और इसको पूरा इंक्रीज़ कर देना है, इतना करके इसको देख सकते हो इस प्रकार से करके। अब ये वाले ऑप्शन में जाकर आपको करना क्या है, इससे इनके माइनस और इंक्रीज़ करोगे तो आपका जो टी शर्ट है वो कलर चेंजिंग होने का कुछ दिखाई दे रहा हो, तो इसको इंक्रीज़ करके इस प्रकार से आपको कर देना है। ऐसा करोगे तो आपका जो टी शर्ट है वो थोड़ा नया टाइप का लगने लगा, न्यू टाइप का लगने लगेगा, तो इसको इंक्रीज़ करके और नेक्स्ट में जाना है, इसको थोड़ा इंक्रीज़ करके इस प्रकार से सेव कर देना है। अब इसका बिफोर एंड आफ्टर देखो, देख सकते हो कैसा था कैसा लग रहा है, तो कितना खतरनाक इसमें हो रहा है, मतलब आप लोगों को ध्यान से देख लेना है। टेक्सचर को थोड़ा इंक्रीज़ करके क्लियरिटी को थोड़ा इंक्रीज़ कर देंगे और डेप्थ को थोड़ा इंक्रीज़ कर देना है, बस इतना कर देना है। आपका जो फेस है थोड़ा HD टाइप का दिखने लगेगा, बैकग्राउंड ब्लर है ही। और नेक्स्ट करना क्या है आपको, शेयर वाले ऑप्शन में जाकर आपको यहाँ से जाना किस में है, तो यहाँ से आपको पिक्सआर्ट के अंदर जाना है, और उसमें मतलब कि केस को भी हमने बढ़ाया है और क्या क्या इफेक्ट डाले हैं वो आप लोग ध्यान से देख लो, काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो चलिए हम पिक्सआर्ट के अंदर चलते हैं। तो हम आ चुके हैं पिक्सआर्ट के अंदर, अब इसमें क्या क्या इफेक्ट्स डालने हैं वो आप लोग ध्यान से देखो। सबसे पहले तो टूल्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको स्ट्रेच वाला ऑप्शन एक देखने को मिलेगा, तो इसमें आपको क्लिक करके ये जो वार्प ऑप्शन है इसको इंक्रीज़ कर देना है, बिग साइज में कर देना है, और जूम करके इस प्रकार से आप लोगों को कर देना है। देख आपको यहाँ पे देख सकते हो हमने कर दिया है। अब इसमें करना क्या है आपको, एक और ऑप्शन है यहाँ पे, थोड़ा सा इसको थोड़ा निकाल कर इसको माइनस कर देना है, बस इस प्रकार से थोड़ा माइनस करके यहाँ से आपको करना क्या है, सेव कर देना है। इतना करने के बाद आपको कुछ देख सकते हो कैसा लग रहा था, देख सकते हो फेस में हेयर किस प्रकार से था और किस प्रकार से आपको कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अब आपको करना क्या है, यहाँ से आपको जाना है स्नैपसीड के अंदर, अब जो भी कुछ भी करना है वो सब हम उसमें कर लेंगे, तो यहाँ से चलते हैं स्नैपसीड के अंदर शेयर करके। तो स्नैपसीड के अंदर हम आ चुके हैं, यहाँ पे आपको टूल्स पे क्लिक करना है, सिलेक्टिव वाला जो ऑप्शन है इसमें आपको इस प्रकार से ग्रीन कर लेना है, ब्राइटनेस बढ़ा बढ़ा कर,
इस प्रकार से कर लेंगे। और अब करना क्या है आपको, और भी जो भी मतलब ऑप्शन देखने में लग रहा है आपको, उसको आपको बढ़ा देना है बस। इस प्रकार से इनक्रीज सबको इंक्रीज कर देना है बस, आप लोगों को इस प्रकार से सबको इंक्रीज कर देना है। तो चलिए हम इसको बढ़िया तरीके से इंक्रीज कर देते हैं। तो देख सकते हो हमने कर दिया है। अब यहाँ से आपको करना क्या है, सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको एक क्या करना है, आपको जूम करने पर देख सकते हो ज़्यादा ब्लर आपको ठीक से देखने को नहीं मिल रहा है। तो आपको करना क्या है, यहाँ से साइज़ को छोटा करके आपको टूल्स पे क्लिक करना है, और नीचे आपको एक लेंस वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। करने के बाद इसको पूरा माइनस कर देंगे, और पूरा माइनस करके इसको थोड़ा सा इंक्रीज करके सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपका फेस भी ब्लर हो चुका है, तो यहाँ पर व्यू एडिट में जाकर लेंस ब्लर में जाएंगे। अब जो जो पार्ट को हमको ब्लर करना है उसको हम जूम करके इस प्रकार से कर देंगे। देख सकते हो गाइज, इस प्रकार से ब्लर कर देना है। तो इस प्रकार से कर दिए हैं। अब आपको करना क्या है, यहाँ से सेव कर देना है। सेव करने के बाद बैक आ जाना है। बैक में फेस पे देख सकते हो उतना ग्लो नहीं लग रहा है, लाइटनेस नहीं लग रहा है, थोड़ा लाइटनेस इसका बढ़ा देंगे इस प्रकार से, और थोड़ा लिप्स भी इसका कलर कर देते हैं ताकि अच्छा लगे। अब इतना कर देना है। अब नेक्स्ट आपको करना क्या है, सबसे लास्ट वाला ऑप्शन जो है, यहाँ पे आपको एक ऊपर कोना में आपको व्हाइट बैलेंस वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इसमें आपको करना क्या है, थोड़ा सा इसको माइनस करके सेव कर देना है, और ऊपर टूल्स पे क्लिक करके ट्यून इमेज में जाना है। इसको थोड़ा इंक्रीज करके कॉन्ट्रास्ट को इसको माइनस करके सेचुरेशन को थोड़ा इंक्रीज कर देना है, और एम्बियंस को थोड़ा माइनस बढ़ाकर हाईलाइट को थोड़ा सा इसको माइनस कर देना है। शैडो को इसको बढ़ा देंगे और इसको थोड़ा माइनस करके सेव कर देंगे। अब देख सकते हो कितना ज़बरदस्त एंड खतरनाक लग रहा है। एंड आप लोग एक बार देख लो इसका बिफोर एंड आफ्टर देख, तो ये देख सकते हो ये बिफोर है, ये आफ्टर है। तो बिफोर एंड देखने में कितना मतलब पूरा अलग ही लेवल का देखने में लग रहा है, पूरा चेंज ही। तो इस प्रकार से आप लोग कर सकते हो, काफ़ी मस्त मतलब कि हुआ है। आप लोग भी ऐसा कर सकते हो, देखना एक बार ट्राई आप लोग करके देखना, एंड बाकी बताना वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आप लोगों के लिए इतना ज़बरदस्त खतरनाक फोटो एडिटिंग लेकर आते रहता हूँ। तो वीडियो करके लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।